मैं दुआ करता हूँ इस देश की प्रधानमंत्री या तो कोई हिजाब वाली बने या तो कोई साड़ी वाली बने। इस देश अरे कश्मीर के मुख्यमंत्री का क्या? कश्मीर के मुख्यमंत्री का क्या हुआ? हिंदू औरत का मैं आपका बड़ा आदर करता हूँ। क्या हुआ? आप स्कॉलर का धागा खुल गया कुर्ते का, बस औकात पर आ गए। अकल को दस याद बातें ना करें। तेरी औकात मैंने देश को एक सवाल में बता दी। धर्म से तेरी औकात मैंने पूरे देश को एक सवाल में बता दी। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंद बातचीत चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज की डिबेट वीडियो होने वाली है रिजवान अहमद और माजिद हैदरी के बीच। दोस्तों ये जितने भी मुस्लिमों के ठेकेदार बनते हैं, जब रिजवान अहमद इनसे एक सीधा सा सवाल पूछ लेते हैं तो ये मिमियाने लगते हैं। आज की डिबेट में हम कुछ ऐसा ही देखने वाले हैं। डिबेट वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, आपसे रिक्वेस्ट है डिबेट वीडियो पूरी देखें। और हाँ, चैनल पर नए हैं तो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ऑन कर लें। चलो भाई, हमने 1985 से लेकर चार किस्से सुनाए जहां हिंदू ने हिंदू का कत्ल किया, मैंने मोटा मोटा जहां हिंदू आदमी ने हिंदू औरत का कत्ल किया। 1985 से लेकर अब तक मैं 140 किस्से सुना सकता हूं जहां मुसलमान ने सड़क पर मुसलमान को मारा। 10 नवंबर को, दो दिन तीन दिन पहले, बरेली में लईक अहमद मारा गया हॉर्न बजाने के चक्कर में, मोहम्मद अली ने मारा। 10 नवंबर की घटना है, लईक को मोहम्मद अली ने मारा। तो आज माजिद भाई ये नेशनल टीवी पर बोलेंगे कि आगे जब भी कभी कोई लिंचिंग होगी, कोई हिंदू गुट मुसलमान को मारेगा, तो वो इसमें धर्म नहीं देखेंगे, इसको भी एक सामाजिक बीमारी मान के आगे बढ़ जाएंगे। पहली चीज ये आज आपको मानना पड़ेगा, पहली बात। अब आगे चलते हैं, देखिए जो इन्होंने शेर पढ़ा कि हिंदू मुसलमान में मोहब्बत चाहिए, तो आज सारे पैनलिस्ट यही कहेंगे कि मोहब्बत होनी चाहिए। तो भाई बड़ी अच्छी बात है, मैं तो ऐलान कर देता हूं मुसलमान लड़कियों से कि अगर तुम्हें कोई हिंदू लड़का पसंद आए तो मेरी बच्चियों, मेरी बहनों, उससे मोहब्बत करो, उसके साथ साथ फेरे लो और जिंदगी उसके साथ बिताओ, बड़ी चैन से बीतेगी। शर्म 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 रिजवान भाई, थोड़ी शर्म कीजिए, हद कर दी आपने आज, धजियां उड़ा दी अपने ईमान की, धजियां उड़ा दी आपने आज अपने ईमान की। ये आपकी, ये आपका, आप मुसलमान अपने आप को कहते हैं ना, थोड़ा शर्म कीजिए, थोड़ा शर्म कीजिए। खुल गया, पतलून उतर गई, पतलून उतार दी, पत्रून उतार दी तुम्हारी 2 मिनट में मैंने। देखिए अमित, तुम्हारी औकात बता दी पूरे देश को, और यहाँ पे औकात बता दी पूरे देश को। आप पहले, तेरी औकात मैंने देश को एक सवाल में बता दी। इस्लाम धर्म से तेरी औकात मैंने पूरे देश को एक सवाल में बता दी। अगर आपको इतनी परेशानी, पूरी तेरी औकात पूरे देश को एक सवाल में बता दी। एक सवाल में तेरी क्या औकात है? दूसरे धर्म, तेरी क्या औकात है? देख मैंने बता दिया पूरे देश को। मैं तो आपको, अब सुन ले, अब सुन, अब सुन, अमीश कुरान बोल रहा था अमीश। अरे तेरी पतलून उतर गई यार, अरे तेरा धागा खुल गया, तेरा धागा खोल दिया मैंने, एक मिनट में खोल दिया तेरा धागा। आपकी तेरी भाषा की मर्यादा रखे, हक के ऐसा नहीं हो सकता। प्यार तो दो तरफा होगा, फिर हिंदू अगर मुसलमान से करेगा तो मुसलमान हिंदू से भी करेगा, दोनों तरफ का होगा ना। आप एक तरफ का क्यों चाहते हो? उसी में शक पैदा हो जाता है। मैंने एक तरफ की बात नहीं, मैंने बात निकाह की। तो फिर निकाह में क्या बात है? तो फिर साथ, अगर निकाह होगा तो साथ फेरे भी होंगे। निकाह करना है, कोई चर्च में जाकर भी पड़ेगा, इसमें क्या परिवर्तन करना है? जिसकी जो इच्छा होगी वो करेगा। निकाह नहीं होगा ना, निकाह नहीं होगा। ओ बेशरम कश्मीर के अलगाववादी, ओ कश्मीर के अलगाववादी। एक एक देखिए, एक सेकंड मैं आपको, माजिद हैदरी मैं आपको 30 सेकंड का इत्मीनान से मौका दूंगा, आप अपने 20 सेकंड में बात कंप्लीट कर लीजिए। रिजवान अहमद, फिर माजिद हैदरी और फिर शाहिद अली। जी जी, तो अब सुनिए, अब जो शेर पढ़ा गया था शुरू में उसकी तो धज्जियां उड़ गई मोहब्बत को लेकर। डिबेट में माजिद ने बोला उत्तराखंड की खबर पर कि कैसे कोई अगर हिंदू लड़की मुसलमान से शादी करेगी, आप उसको रोक सकते हैं कि वो इस्लाम ना कबूले। अभी बोला इस पे, बोला 5 मिनट पहले, और मेरी बात में तेरी औकात सामने आ गई कि तू भले घने में टाई पहन ले, तेरे दिमाग में ऊंचा पजामा था, है और रहेगा। यही नहीं, अभी और सुनिए। बोलूं? जी मैं बोलूं, हाँ। देखिए कुछ चीजें, अब पता नहीं लोगों को ज्ञान नहीं है, बड़ा अफसोस होता है।
कुछ चीजें नॉमिनेटेड होती हैं, कुछ चीजें इलेक्टेड होती हैं। इलेक्टेड में हम चाहें किसी को कुछ बना दें, कुछ बना दें, मैं एक पार्टी बना लूं और उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाऊं, या किसी महिला को उसका राष्ट्रीय, इसकी कोई महत्व नहीं होता। यह लोकतंत्र है। जो ये तीन महिलाएं बता रहे हैं कहीं पर जीत के आई हैं, भैया वो हिजाबन हो तो मुझे मतलब नहीं, वो बुरखा पहनती हो तो मुझे मतलब नहीं, वो घाघरा चोली पहनती हो तो मतलब नहीं, वो घूंघट डालती हो तो मतलब नहीं, जीत के आई हैं, कल को समीकरण बैठेंगे तो शायद मेयर भी बन जाए। यही बात इन लोगों को लोकतंत्र की बस समझानी है कि तुम हिजाबन हिजाबन कहके मातम ना करो। जम्मू एंड कश्मीर में घूंघट डालने वाली एक हिंदू महिला इंशाल्लाह वहां की मुख्यमंत्री बने, आमीन सुम्मा आमीन। आप मेरे साथ आमीन बोलने को तैयार हैं? देखिए, अपने आस्था और आपने आमीन और दुआ की बात की तो मैं आपको बता दूं, जो हिजाब है, घूंघट है, पर्दा, ये हमारे देश में आस्था है, इसका आप कृपया मजाक ना बनाएं। नहीं, आप कश्मीर का जवाब दीजिए, आप चाहते हैं कि एक हिंदू औरत वहां की मुख्यमंत्री बने, ये बताओ। मैं दुआ करता हूँ इस देश की प्रधानमंत्री या तो कोई हिजाब वाली बने या तो कोई साड़ी वाली बने इस देश। अरे कश्मीर के मुख्यमंत्री का क्या? कश्मीर के मुख्यमंत्री का क्या हुआ? हिंदू औरत का? मैं आपका बड़ा आदर करता हूँ, क्या हुआ? आप स्कॉलर हैं। अरे कश्मीर की हिंदू औरत मुख्यमंत्री का क्या हुआ? अरे देखे ना, हम मेजोरिटी मुस्लिम मेजोरिटी एरिया अकेला इस देश में है, अकेला एक कोने एक छोटी से हम जगह पे रहते हैं, वहां पर भी हम मुसलमान ना हो, आपको मुसलमान से प्रॉब्लम है भाई? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। प्रॉब्लम क्या है? धागा खुल गया, धागा खुल गया कुर्ते का, धागा खुल गया कुर्ते का, बस औकात पर आ गए, औकात पर आ गए, हैसियत दिखा दी, बस औकात पर आ गए, औकात पर आ गए। ये है तुम्हारी हकीकत और ये है तुम्हारी हैसियत और ये है तुम्हारा इंसाफ और ये है तुम्हारा दोगलापन। मैं चाहता हूँ मेरे देश का प्रधानमंत्री मुसलमान हो, मैं चाहता हूँ इंदिरा, मुझे तो है ही नहीं, मैं कब कह रहा हूँ मुझे नहीं है, मुझे नहीं है आपत्ति। अरे मुझे आपत्ति नहीं है भाई, किसने कहा आपत्ति है? आपत्ति है यार, लेकिन तुम्हारा तुम्हारा दोगला चेहरा सामने आ गया, तुम्हारा तुम्हारा दोगला चेहरा सामने आ गया दो मिनट में। कौन सा दोगला चेहरा सामने आया? मैं तो कह रहा हूँ साड़ी वाली प्रधानमंत्री बने इस देश में, वो तो मुसलमान नहीं होगी ना, कैसी बात। माजिद हैदरी वो पूछ रहे हैं आपसे, एक सेकंड एक सेकंड, छोटी नजर है। माजिद हैदरी वो पूछ रहे हैं कि छोटी नजर है, आप देश की प्रधानमंत्री एक हिजाब वाली महिला को बनाना चाहते हैं, क्या जम्मू कश्मीर में एक साड़ी वाली मुख्यमंत्री भी आप चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? सिंपल सा सवाल। अरे मेरे भाई, मुख्यमंत्री से बड़ा प्रधानमंत्री साड़ी वाली प्रधानमंत्री? अरे वो तो छोटा सा मांग रहे हैं ना, तो उसका जवाब दे दीजिए। उसका मैं बड़ा जवाब दे रहा हूँ, वो छोटी बात कर रही है, मैं बड़ी बात कर रहा हूँ। मैं तो दुआ मांग रहा हूँ कि साड़ी वाली महिलाएं प्रियंका गांधी। दोस्तों, जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री एक हिंदू महिला बने, ये सवाल रिजवान अहमद ने कई बार पूछा और लगभग हर डिबेट में पूछा है, और जितने भी ये सेकुलर सूरमा हैं इन पे आज तक कोई जवाब देते नहीं बना है। बाकी आपको वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन ऑन कर देना। कल फिर मिलते हैं एक और डिबेट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।